नो अबाउट मैस्टॉइड सर्जरी? यस दोस्तों, क्या है मैस्टॉइड सर्जरी, क्या है कान की हड्डी गलने का ऑपरेशन? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना प्लीज ना भूले, जिससे अनेक आने वाले ऐसे ही उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो आपकी सेहत के लिए, आपकी ईएनटी केयर के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, बहुत बार पेशेंट का जब आता है, उनके दिमाग में क्वेरी होती है, कान की हड्डी गल गई, हड्डी गलने का ऑपरेशन क्या होता है? डॉक्टर ने मैस्टॉइड बताया, मैस्टॉइड ऑपरेशन होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या है ये मैस्टॉइड। दोस्तों, जो हमारा कान जिस बोन में रहता है उसको हम एक टेम्पोरल बोन बोलते हैं। जो हमारा कान जिसके अंदर होता है उसको एक अपार्टमेंट जो है उसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। एंड दोस्तों, उस टेम्पोरल बोन के 3-4 अलग अलग पार्ट होते हैं। तो उस टेम्पोरल जो हड्डी है, उस हड्डी का एक पार्ट होता है मैस्टॉइड, उसका पार्ट होता है मैस्टॉइड। उस मैस्टॉइड के पास में ही हमारा पूरा कान अंदर होता है, और वहां पे क्या होता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते की जैसे एयर सेल्स भी होते हैं, जिससे वो कान जुड़ा हुआ होता है, एयर का वेंटिलेशन होता है, उसका एक सिस्टम होता है। बहुत बार दोस्तों, किसी कारण से कान के अंदर जो हमारा पर्दा है, सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टार्ट ही पर्दे के कारण होती है। जैसे अगर आपको, अगर हमारे मकान में जो आगे का गेट सबसे पहले खराब होगा, तो उसमें बाकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना होगी, वहां से अंदर होंगे, वहां से एनिमल अंदर आएंगे, वहां से उसकी प्रोटेक्शन लॉस्ट होती है। ऐसे ही कान के पर्दे में जब प्रॉब्लम होती है, वो छेद भी हो सकता है, पर्दा जो है चिपक भी सकता है, या किसी भी कारण से, तो हमारा जो मैस्टॉइड सिस्टम जो हेल्दी था, वो धीरे धीरे अनहेल्दी हो जाता है। एंड उस मैस्टॉइड सिस्टम के अंदर जो एयर सेल्स हैं, वहां पे क्या होता है कि पानी इकट्ठा होता है, धीरे 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 इन्फेक्शन क्रिएट होता है, और जो कान की पर्दे की प्रॉब्लम के कारण जो कान का प्रोटेक्शन नहीं होता है, और जो वहां पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पे जो ये पानी इकट्ठा होता है, इन्फेक्शन होता है, जो फंगस होता है, एंड इन सब के बाद में वहां एक डिजीज होती है जिसको हम कोलिस्टेटोमा बोलते हैं। वो कोलिस्टेटोमा और जो मवाद है, जब उस कान की जो टेम्पोरल बोन की मैस्टॉइड में जब एंटर कर जाता है, तो उसको हम मैस्टॉइडाइटिस बोलते हैं। यानी मैस्टॉइड हड्डी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, जहां पे हमारा कान रहता है। जब आप घर में रह रहे हो और चारों तरफ बाढ़ आ गई, तो घर को ही नुकसान होगा। ऐसे ही जब उस मैस्टॉइड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा पूरा कान खतरे में आ जाता है। आपने देखा होगा, डॉक्टर कहता है आपकी हड्डी गल गई, तुरंत ऑपरेशन कराओ, कान के पर्दे में छेद है तो कोई बात नहीं है, बट अगर हड्डी गल गई तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जो मैस्टॉइड जो हड्डी है, उसके अंदर दोस्तों एक हमारी नर्व आती है, एक नस आती है, एक नाड़ी आती है, जिसको फेशियल नर्व बोलते हैं। और वो फेशियल नर्व हमारे आधे फेस को एक तरफ कंट्रोल करती है। दो फेशियल नर्व होती है, राइट और लेफ्ट। तो राइट जो फेशियल नर्व है, वो राइट साइड के मूवमेंट, लाइक हमारी आंख बंद होना, हम जब स्माइल करते हैं, ये सारा काम कौन कर रहा है, ये हमारी फेशियल नर्व करती है। तो बहुत बार क्या है, जब हड्डी गलती है तो हमारी फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है। आपने देखा होगा, पेशेंट आता है फटाफट, डॉक्टर साहब कल से मेरी आंख बंद नहीं हो रही, डॉक्टर साहब मेरा एक तरफ चेहरा लटक गया, मैं खाना खाता हूं तो इधर से पानी गिर रहा है, तो वो उसके कारण कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कई बार उस हड्डी गलने के कारण, क्योंकि हमारा कान और जो दिमाग है उसके बीच में एक बैरियर होता है, टेगमेंट प्लेट, बहुत छोटी बोन होती है, तो ये मवाद क्या करती है, वो अंदर छेद करके दिमाग में चली जाती है। तो उससे क्या है, हमारे को मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन एप्सिस हो सकता है, बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि आप तुरंत इसकी सर्जरी कराइए, नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेशंस के कारण, आपको दुष्परिणाम के कारण प्रॉब्लम होगी। बट बहुत बार दोस्तों, हमारे अभी भी हमारा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर क्या है, साधन सुविधाएं नहीं होती, पेशेंट उस बात को नहीं समझ पाता, कई बार डॉक्टर प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पाता, कई बार काउंसलिंग करने के बाद भी पेशेंट नहीं समझ पाता, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो हड्डी गलने का जो ऑपरेशन है, उसमें क्या है दोस्तों, जब उसको ठीक करते हैं, तो उसको एक मैस्टॉइडेक्टोमी एक ऑपरेशन होता है, जो जहां जहां जितनी भी हड्डी गली हुई है, जितने में जो बीमारी है, उसको निकाल दी जाती है। एंड वो उसके बाद के अंदर उसको, उस हड्डी गलने के कारण जो डैमेज पार्ट को बना दिया जाता है। एंड उस मैस्टॉइडेक्टोमी ऑपरेशन के बाद हमें, हमारी जो लाइफ थ्रेटनिंग थी, उससे बचाव हो जाता है।
एंड मैस्टोइडेक्टोमी दोस्तों आजकल जो है पुराना मैस्टोइडेक्टोमी होता था MRM, आजकल होता है इंटेक्ट कैनाल। तो आप उसमें आर्मी एयरफोर्स और उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप जो है आपको हड्डी गली हुई है तो आप पहले डॉक्टर से बात कर लें कि जो मेरा मैस्टोइडेक्टोमी और हड्डी गलने का ऑपरेशन है उसके बाद मेरे को आर्मी में जाना है, तो प्लीज कम से कम ऐसी टेक्निक जो है उससे सर्जरी हो जिससे आपको वहां प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर आपकी डिजीज इतनी लिमिटेड है तो हो सकता है वो दूरबीन की सहायता से भी संभव है, बट वो आपको पहले डॉक्टर से डिस्कस करना होगा। सर्जरी के बाद में तो आपने बोला तो वो बोलेंगे आपने मेरे को बताया ही नहीं। तो देखा दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट है मैस्टोइडेक्टोमी और मैस्टोइड सर्जरी, जिससे हमारी जान पे जो आफत आ गई उससे हम बच सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस इंफॉर्मेशन इज रियली यूजफुल फॉर यू, यू कैन शेयर टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द मैस्टोइड ऑपरेशन ऑफ ईयर। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आपके कोई दिमाग के अंदर कोई मिथ है, तो डेफिनेटली यू कैन पुट माई, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड हम आपका जवाब जरूर देंगे। थैंक